The Helka India News. Please like and share and don't forget to subscribe. उज्जैन लोकसभा सांसद कोरोना महामारी के चलते लगातार श्रम करते एक अच्छा योगदान दिया और कोरोना वायरस महामारी के चलते उसको नियंत्रित करने के लिए लगातार प्रयास करते रहे और आज भारत में प्रथम स्थान उज्जैन लोकसभा सांसद अनिल फिरोजिया द्वारा प्राप्त कर एक सफलता हासिल की। उसी के चलते भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री अपूर्व देवड़ा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उनका स्वागत अभिनंदन कर आभार व्यक्त किया। कोरोना काल में सभी ने मिलजुल के जो हमारी टीम ने सहयोग करा, आप सबको मालूम है कि मीडिया में भी चल रहा था कि 25-30% मृत्यु दर, अगर हिंदुस्तान में कहीं पे मृत्यु दर थी तो उज्जैन में थी 30% के लगभग। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी हर्षवर्धन जी से निवेदन करा, उन्होंने यहाँ पे एम्स से टीम भेजी जो 8-10 दिन यहाँ रही। इसके बाद हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करा, उन्होंने भी यहाँ से टीम भेजी। हमने अरविंदो में जब डिमांड करी कि हमको 100 बिस्तर चाहिए तो उन्होंने 100 बिस्तर दिए। अमलताज में भी हमको 150 बिस्तर देने का काम करा। उज्जैन माधवनगर अस्पताल 100 बिस्तर का कर दिया, 25 वेंटिलेटर दिए, 5 हमको लाइफ सपोर्टर एम्बुलेंस दी। फिर हमने 5000 हम रोज 5000 पैकेट, जब से जनता के लिए कर्फ्यू माननीय प्रधानमंत्री ने घोषित करा, जब से हमने भोजन का पैकेट बांटना चालू करा पर डे, जो लॉकडाउन के 3-4 दिन तक के बाद तक चलता रहा, हमने सूखा अनाज देने का काम करा। अब बाहर से हमारे 36,000 मजदूर जो उज्जैन ज़िले के गए थे काम करने, उनको व्यवस्थित लेके आए, स्टूडेंट्सों को लेके आए। हमने प्रवासी भारतीयों को लाने का प्रयास करा, शहर में सैनिटाइज करा। ये सब जो गतिविधियां हैं, ये जो टीम है, इनका स्वागत अभिनंदन होना चाहिए। इन सब ने हमारा बहुत सहयोग करा और हमने मॉनिटरिंग करी कॉल सेंटर बिठा के कि मरीज अगर अस्पताल में है तो हम उसको दवाई मिली कि नहीं, गर्म पानी काढ़ा, डॉक्टर आया कि नहीं, घबराना मत, मैं आपके साथ हूँ, मेरी सरकार आपके साथ है, तो उसको मॉरल सपोर्ट देके और कि हम तुमको ठीक करके घर पहुँचाएंगे। ये सब गतिविधियाँ चली और इसमें हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, हमारी पूरी टीम ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने सहयोग करा, जिसके कारण रेटिंग में हमको फर्स्ट मिला। उसके लिए मैं सभी पूरी हमारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान का, डॉक्टर हर्षवर्धन जी का, विदेश मंत्री जी का, जिन्होंने सतत हमारे फ़ोन पे, हमने जो भी उनसे निवेदन करा उन्होंने स्वीकारा और हमारी मदद करी, उसके लिए उनका ही बहुत बहुत धन्यवाद।